गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो अभी मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के 7 बजे, और इससे पहले मैं गई थी अपने रूम से थोड़ा बाहर खाने पीने, क्योंकि मैं दोपहर से शाम तक पढ़ रही थी। तो उसके बाद अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, खाया पिया, और अब मैं वापस अपने बिल में आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं एंड वील स्टडी टुगेदर। सो येस, वी आर गोइंग टू स्टडी टुगेदर। ऑल्सो गाइज, मैंने ना ये अमेजोन से ट्राईपॉड ऑर्डर करा था, तो ये मुझे 3-4 दिन पहले रिसीव हो गया है। और इसकी ना मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई थी, लेकिन उस दिन मैंने कुछ स्टडी ब्लॉग शूट नहीं किया, तो मैं आपको ये क्लिप भी डाल नहीं पाई। तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। खुद ये देखो, मैंने रिंग लाइट के साथ मंगाया इसको, और इसमें ना 3 मोड हैं लाइट के, मैं आपको दिखाती हूँ। सो यस, ये देखो, इसमें एक न्यूट्रल है, एक वार्म है, और एक वाइट लाइट है। ये वार्म है आई थिंक, और ये वाइट लाइट है। तो चलो, लाइट भी मैंने आपको दिखा दी, ट्राइपॉड दिखा दिया। अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टडी सेशन। अभी मैं करूँगी ये एडिटोरियल रीड, और एडिटोरियल के लिए मैं वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए और वोकैब के लिए एडिटोरियल रीड ज़रूर करती हूँ। तो अभी मैं ये करने वाली हूँ, इसमें एनालिसिस और वोकैब दी हुई है। तो अभी अपना फ़िलहाल का टारगेट तो यही है, तो यही करते हैं। एडिटोरियल रीड करने के बाद अभी ना मैं कर रही हूँ मेंस की प्रैक्टिस शॉर्ट पीडीएफ सॉल्व, और इसमें ना 5-6 क्वेश्चंस थे, और इसमें कि मेरे पास 5-6 पीडीएफ थी। एक में क्लोज टेस्ट था, एक में पैराजम्बल था, एक में मिक्स टाइप क्वेश्चंस थे। तो ये जो पीडीएफ थी ना, ये मेरे को एक टेलीग्राम चैनल पर मिली थी जिसका नाम है अफेयर्स क्लाउड, और उस पर मेनली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है, पर वहाँ पर मुझे इंग्लिश की भी मिल गई, तो मैंने वो भी सॉल्व कर ली। क्योंकि इंग्लिश में तो ना, आप जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपको ग्रामर रूल्स समझ आते हैं कि किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो हाँ, मतलब ये पीडीएफ्स काफ़ी हेल्पफुल रही। इंग्लिश की 4-5 पीडीएफ हो गई हैं, और ये रहे मेरे आंसर जो मैंने स्टिकी नोट पे ही लिख लिए थे, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा कुछ लिखने का तो होता नहीं है, बस आंसर टिक ही करना होता है। सो यस, और जो जो मेरे गलत हो गए थे, जैसे पैराजम्बल था, ये मेरा थोड़ा गलत हो गया, और जो जो गलत हो गए थे वो मैंने देख लिए हैं, और बाकी जो मेरे सही है वो ये रहे। सो यस, तो गाइज मेरा इंग्लिश का हो गया है, मतलब मैंने 4-5 पीडीएफ्स करी थी तो वो मेरी कंप्लीट हो गई हैं। उसमें से एक था मेंस का प्रैक्टिस सेट, एक में था क्लोज टेस्ट, एक में थे मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो इस तरह से 4-5 पीडीएफ्स थी, वो मेरी हो गई हैं, और अब मैं करने वाली हूँ करंट अफेयर्स। और सरप्राइजिंगली इस ब्लॉग में मैं मैथ्स नहीं पढ़ने वाली हूँ, जो बहुत ही रेयर केस है कि मैं ब्लॉग करूँ और मैं ब्लॉग में मैथ्स ना पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स और रीजनिंग डेली करती हूँ, इंग्लिश और करंट अफेयर्स वगैरह फिर भी कभी कभी मैं ऑल्टरनेट डेज ऐसे कर लेती हूँ, पर मैथ्स और रीजनिंग में रोज़ ही करती हूँ। लेकिन आज क्योंकि अभी ये ब्लॉग शाम को मैं बना रही हूँ, 7 बजे से मैंने स्टार्ट करा था, तो मैथ्स मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो वो मुझे नहीं पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ना था, इंग्लिश हो गया, और अब मुझे करने अपने करंट अफेयर्स आज के, जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं, तो उसकी पीडीएफ मैं करूँगी, तो वो कर लेते हैं अभी, और हाँ वही करनी है अभी। सो लेट्स स्टार्ट। पीडीएफ मैंने कंप्लीट कर ली है, और ना काफ़ी डिटेल्ड पीडीएफ थी, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। तो मैंने अभी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो पढ़ ली पीडीएफ में से, और इसकी ना मेरे पास क्वेश्चन आंसर्स की भी पीडीएफ है, जिसमें वो होता है ना टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस, तो वो मैं कल करूँगी, क्योंकि अभी अभी मैंने ताज़ा पढ़ा है, तो अभी अगर मैं वो वाली पीडीएफ करूँगी तो मुझसे सब हो ही जाएगा। इसलिए मैं कल पीडीएफ करूँगी, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कितना रिटेन कर पाई हूँ आज का कल तक। तो इसलिए अब मैं वो पीडीएफ अभी कल करूँगी, और अब मैं करने वाली हूँ रीजनिंग। मेरा इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, अभी मुझे रीजनिंग के मुझे पजल के सेट लगाने हैं, 4-5 लगाऊंगी, एंड देन विल बी गुड टू गो। सो यस।
सो रीजनिंग में मुझे 4-5 पजल्स प्रैक्टिस करने थे, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। और जब तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ तब तक मैं अपने लाइफ अपडेट्स दे देती हूँ आपको थोड़े से। सो लेटली ना आई हैव बीन वेरी डिस्ट्रैक्टेड, मैं उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, बट ऐसा होता है ना कई बार कि आपके नॉन प्रोडक्टिव डेज प्रोडक्टिव डेज से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वही मेरे साथ हो रहा था। क्योंकि मेरे ना थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे और मुझे स्किन एलर्जी वगैरह भी हो गई थी, जिसकी मैं दवाई खाती हूँ ना, तो उससे मुझे बहुत नींद आती है, मैं पूरे दिन नींद में रहती हूँ। तो इसलिए ना मैं उतनी प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, और ये ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदर भी कर रहा था। और आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि मैं स्टडी ब्लॉग्स भी उतना फ्रीक्वेंटली नहीं डाल रही जितना पहले डालती थी, तो वो इसी रीज़न से, क्योंकि जब तक मेरी खुद की सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं होती है तब तक मुझे लगता है कि मैं क्या स्टडी ब्लॉग डालूँ अगर मैं खुद ही उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रही तो। बट स्लोली आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक, सो विश मी लक गाइस कि मैं जल्दी सबने ट्रैक पर आ पाऊँ और फिर अच्छे से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ और अच्छे अच्छे स्टडी ब्लॉग्स भी आए मेरे चैनल पे। सो यस, दैट्स द अपडेट। सो गाइज, मैं पिछले 1-1.5 मिनट से बोले जा रही हूँ, और उसके बाद मैं जब वीडियो का बटन ऑफ कर रही थी तब मुझे पता चला कि मैंने रिकॉर्ड के लिए ऑन करा ही नहीं था, और मैं ऐसे ही बोले जा रही थी इतनी देर से। सो दिस इज़ माई सेकेंड अटैम्प्ट जब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो भी मैंने अभी पहले इतनी देर से बोला था। सो येस, आई एम डन विद माई रीजनिंग, और विद माई रीजनिंग नहीं, मतलब विद आई एम डन विद द रीजनिंग पार्ट। और मैंने सोचा था कि मैं 4 प्री लेवल के पजल करूँगी, लेकिन फिर मैंने 4 प्री लेवल के करे, 3 मेंस लेवल पजल करे, और मैं मशीन इनपुट आउटपुट करने लग गई थी जो मिसलेनियस टॉपिक्स में मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, तो मैंने वो करा। इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया, मतलब अभी 1:30 बज रहे हैं शायद, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी देर पढ़ूंगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम हो गया है मुझे। और थोड़ा सा धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर मेरे घर पर सब सो रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलूँ, मैं थोड़ा सा थक भी गई हूँ। सो येस, आई एम गोइंग टू चेंज माई क्लोथ्स अभी, मैं थोड़ा स्किन केयर वगैरह करके, एंड देन आई एम गोइंग टू डू द इंट्रो ऑफ दिस वीडियो। सो येस, आई विल सी यू गाइज इन अ फ्यू मिनट्स। सो गाइज, इट्स करेंटली 2 AM और बहुत रात हो गई है, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।